गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्थी। सो वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 16 फरवरी 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 16 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज वेदर एंड सीजन। So student, let us do little recapitulation what we have done in our previous video. So in the previous video student, I explained you about what is the difference between a weather and climate. Okay, after that we talk about different types of season in our country, that is winter, summer, मॉनसून, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। ओके, सो वी हैव, देन आई एक्सप्लेन यू वाटर साइकिल, व्हाट इज वाटर साइकिल एंड दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सीजन्स। सो इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट winter and spring season. So now in today video let's start with the summer season. So summer is the hottest season of the year. Summer, when we are talking about summer student, summer is the summer is the hottest season. Summer is the hottest season of the year. Is it clear? So summer is the hottest season of the year, and when it begins in April and continues till June. So in summer the season is it is the hottest season of the year, and this season begins in the month of April and this season continues till June. So the wind which blow in this season, that is very hot. ठीक है, जो बेटा क्या कहते हैं, समर सीजन में जो हवा चलती है ना, वो बहुत गर्म होती है, बहुत हॉट होती है, और इस हॉट एयर को हम लोग लू बोलते हैं। इज इट क्लियर? जो समर सीजन्स में हॉट विंड जो ब्लो करती है, इसको हम लोग लू बोलते हैं। इज इट क्लियर? ए हॉट विंड called it loo, blues. ठीक है, so जैसे और
हॉट क्लाइमेट कहाँ का होता है? नॉर्दर्न एरिया का, ठीक है। जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं तो यूपी का भी क्लाइमेट क्या है? यहाँ का हॉट है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो सी स्टूडेंट, समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। इट बिगिंस इन अप्रैल एंड कंटिन्यूज टिल जून। ए हॉट विंड कॉल्ड लू ब्लोस इन द नॉर्दर्न, ब्लोस इन द नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सो वी स्टे, सो आफ्टरनून टाइम में एयर जो होती है बेटा बहुत ज़्यादा हॉट होती है। तो स्पेशली जब समर डेज होते हैं ना, तो हम लोग आफ्टरनून के समय घर से बाहर नहीं निकलते हैं ड्यू टू दिस हॉट विंड डैट इज नोन एज लू, ठीक है। ये समर्स में जो विंड चलती है नॉर्दर्नस एरियाज में, नॉर्दर्नस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज में, इस हॉट की एयर के ब्लो होने की वजह से, जिसे हम लोग लू बोलते हैं, वी डोंट कम आउट फ्रॉम आवर हाउसेज एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून। इज इट क्लियर? क्योंकि हम दोपहर के समय अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं आते हैं। जैसे मैंने अभी विंटर सीजन के बारे में आपको बताया था, एट द टाइम ऑफ विंटर वी क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज ऑल द टाइम, विंडोज क्लोज रखती हैं, सो दैट द कूल एयर डू नॉट इंटर इन साइड द हाउस। जब पूरी विंडोज बंद रहेंगी तो घर जो आपका अंदर से क्या रहेगा, वार्म रहेगा। इन द सेम मैनर हॉट समर सीजन में क्या होता है कि ये जो हॉट एयर है जिसे हम लू बोलते हैं, ड्यू टू दिस वी डोंट कम आउट फ्रॉम आवर हाउसेज एट द टाइम ऑफ ए आफ्टरनून टाइम में। आफ्टरनून टाइम में मैक्सिमम लोग दे स्टे इनसाइड देयर हाउसेज, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर बाय चांस आप किसी रीजन से बहुत ज़्यादा समय तक आफ्टरनून समय में बाहर रह जाते हो अपने घर से, तो आपको हीट स्ट्रोक भी लग सकता है। हीट स्ट्रोक, ये जो लू चलती है ना, ये जो लू चलती है इससे हीट स्ट्रोक भी लग जाता है। ऐसे में लोगों को व्हाट्सएप है, ठीक है, वोमिटिंग होने लगती है, चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, हीट स्ट्रोक लग जाए तो, ठीक है। सो ऐसे में क्या है, ऐसे पर्सन को आप क्या कर सकते हो, अगर किसी को हीट स्ट्रोक लग गया है तो आप उस पर्सन को सबसे पहले किसी शेड वाली पोजीशन में ले जाओ, ठीक है, शेड वाली जगह पे ले जाओ। और ऐसे पर्सन को हमें लाइम साल्ट शुगर वाटर भी देना चाहिए, और लाइम वाटर भी आप दे सकते हो, नींबू पानी भी दे सकते हो। आप लोग ने अक्सर देखा होगा अप्रैल में असेंबली में बहुत से बच्चों को मॉर्निंग में चक्कर आ जाता है, क्योंकि वेदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। और हॉट वेदर में हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेट भी होता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। इसलिए इस हॉट वेदर सीजन में हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इज इट क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। और ज़्यादा हॉट जो मैंने बताया ना, ये जो लू है इससे हीट स्ट्रोक भी लग जाता है, चक्कर आ जाता है, वोमिटिंग होने लगती है, वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, बॉडी में। सो ऐसे में आप उसको लाइम, ऐसे में शुगर और शुगर साल्ट वाला वाटर आप कर दे सकते हो, जिसको ORS बोलते हैं वो भी दे सकते हो, या तो आप नींबू पानी दे दो, ठीक है, तो इससे भी रिलीफ मिलता है। सबसे पहले जिस पर्सन को हीट स्ट्रोक लग गया है, ऐसे पर्सन को आप सबसे पहले शेड में ले जाओ। देखते हो असेंबली में बहुत बच्चों को चक्कर आ जाता है, तो हम लोग कहाँ ले जाते हैं आप लोग को, स्कूल में लाइब्रेरी में, वहाँ आप एसी में बैठते हो, फैन के नीचे बैठते हो, पानी पीते हो, थोड़ा रिलैक्स करते हो, देन नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो हॉट सीजन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ये मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन MCQ में ये पूछा जा सकता है यहाँ से बेटा आपसे, विच इज़ द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, तो आंसर आपका हुआ समर, ठीक है। अनदर क्वेश्चन द टीचर कैन आस्क विद द स्टूडेंट, समर इज द डैश सीजन ऑफ द ईयर, तो आंसर हो जाएगा हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या फिर टीचर पूछ सकता है, डैश
season begins in April and continues till June. So you have to tell the name of the season which begins in April and this season continue to June. So that season is known as summer season. Okay. Next question is, say क्या पूछ सकते हैं teacher? In which season the wind blow that is very hot? Hot wind blow करती है. तो किस season में blow करती है hot wind? That is your summer season. एक question ये frame हो गया. Next question the teacher can frame from this summer season is that the hot wind which blow, ठीक है, the hot wind which blow during the summer season that is known as dash. तो उसको क्या बोलते हैं? That is known as लू. ठीक है, ये L. इसको 100 नहीं समझ लेना. This is L. That is known as लू. So these are the questions which can be asked with the summer seasons. Now next is up or heat stroke. In which season the person is suffering from heat stroke? That is also summer season. ठीक है, ये क्वेश्चन भी टीचर फ्रेम कर सकते हैं एमसीक्यू में. इन विच सीजन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक कब लगता है? इन द सीजन ऑफ समर. ऑलरेडी मैंने आप लोग से डिस्कस किया ही था कि ड्यू टू डिफरेंट सीजन होने की वजह से हमारे लिविंग स्टाइल, द टाइप ऑफ क्लोथ्स विच वी आर वेयरिंग एंड इवन वट वी आर ईटिंग, दैट थिंग्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सीजन. दैट थिंग्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सीजन. अब देखो, इन विच सीजन, अब एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है, इन विच सीजन पीपल्स वॉन्ट टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक किस सीजन में पीपल्स पीना पसंद करते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर बेटा? इसका आंसर होगा आपका विच सीजन? समर सीजन. और क्योंकि देखो, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विंटर, तो विंटर में हम लोग क्या पसंद करते थे? हॉट सूप पसंद करते थे, जैसे टी हो गया, मिल्क हो गया, कॉफी हो गया. बट इन द समर में स्पेशली विच टाइप ऑफ ए कोल्ड, वट वी वॉन्ट टू ड्रिंक मोस्ट, दैट इज द कोल्ड ड्रिंक्स. बट दीज कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट, कोल्ड ड्रिंक्स में जो थम्सअप है ये सब है, दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. आप इससे अच्छा है नींबू पानी पी लो, लेमन वाटर ये सब पियो, वो मच बेटर है. ठीक है, अब पीपल इंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स, लेमनेड, नींबू पानी, आइसक्रीम एंड फ्रूट्स सच एज वाटरमेलन, लीचीज, मैंगोज, पलम्स एक्स्ट्रा. सो पीपल इंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स, लेमनेड मीन्स नींबू पानी होता है, एंड इन द मंथ ऑफ ए समर सीजन में पीपल लव टू ईट आइसक्रीम. ठीक है, समर सीजन में लोगों को आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, और चिल्ड्रन इंजॉय स्विमिंग. विंटर में आप स्विमिंग नहीं जाते हो. देखो, स्विमिंग हम किस सीजन में जाते हैं? इन द समर सीजन में. स्विमिंग के लिए हम लोग कब जाते हैं? समर सीजन में हम कहाँ जाते हैं बेटा? स्विमिंग के लिए. समर में हम स्विमिंग के लिए जाते हैं. ठीक है, और सम ऑफ अस गो टू हिल स्टेशन टू स्टे अवे फ्रॉम द हीट. ओके, एंड नेक्स्ट, अब देखो ये पूरा हो गया, अब इसे एक रिकैप्चुलेट करा लेते हैं, रिकैप्चुलेशन करा देते हैं आपकी. समर सीजन में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा, समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. ठीक है, आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन यू इन विच मंथ द समर स्टार्ट. सो समर स्टार्ट, इट बिगिन्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल एंड इट कंटिन्यूज टिल जून. फिर नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ी, एंड समर सीजन द विंड ब्लो दैट इज वेरी हॉट, एंड दिस हॉट विंड इज नोन एज लू, एंड ड्यू टू दिस इन द आफ्टरनून टाइम पीपल स्टे इनसाइड देयर हाउसेस, बिकॉज स्पेशली द पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम वट? हीट स्ट्रोक. इफ दे आर आउट फ्रॉम द हाउस फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर वो अपने घर से लंबे समय के लिए बाहर हैं, तो वो किससे सफर कर सकते हैं? हीट स्ट्रोक से. आपने देखा ना, छुट्टी में जब आप लोग जाते हो, डीएम ऑर्डर से स्कूल का टाइमिंग भी कम हो जाता है. इवन वेन यू गो फ्रॉम द स्कूल, तो जब हम समर में अगर हम बहुत देर धूप में खड़े हो जाएं, तो पूरी बॉडी हमारी हीट हो जाती है ना. सो और अब समर में नेक्स्ट थिंग्स है,
समर में हम क्या करते हैं, समर में व्हाट आर द थिंग्स विच वी लाइक टू ईट, समर्स में हम ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहते हैं, लेमनेड्स में नींबू पानी है, एंड पीपल लव टू ईट आइसक्रीम्स। आइसक्रीम्स हम सबसे ज़्यादा किस सीजन में खाते हैं, डेट इज़ द समर सीजन में, ठीक है। और हम ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, उसका रीज़न ये होता है बेटा कि ड्यू टू समर हॉट क्लाइमेट होने की वजह से हमारे बॉडी से बहुत स्वेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, ठीक है। इससे क्या है कि बहुत सा वाटर हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न टू मेंटेन इट, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पानी हमारी बॉडी में तभी जाता है व्हेन वी ड्रिंक वाटर, ऐसा नहीं है तभी पानी जाता है। व्हेन यू ईट द फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के अंदर भी बहुत सा वाटर होता है, वैसे भी आप उससे भी आपके बॉडी में वाटर जाता है। सो द फ्रूट्स विच वी ईट इन द समर सीजन लाइक वाटरमेलन्स है, लीचीज है, मैंगोज, सो एंड विच सीजन चिल्ड्रन इंजॉय स्विमिंग, तो वो भी आपका समर सीजन। ये सब मैं इसलिए एक एक करके बता रहा हूँ क्योंकि बेटा MCQ के क्वेश्चन बुक के बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप वन लाइन बाई लाइन एक एक चीज पढ़ोगे तभी यू आर एबल टू अटेम्प ऑल द क्वेश्चन। आ सकता है आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में MCQ में कि इन विच सीजन स्टूडेंट और चिल्ड्रन, इन विच सीजन चिल्ड्रन गो फॉर द स्विमिंग, ऑप्शन होगा विंटर में, स्प्रिंग में, रेनी सीजन डेट इज मानसून, और एक होगा समर सीजन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, समर सीजन, समर में हम लोग जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द समर सीजन। नाउ आफ्टर समर लेट्स स्टार्ट विद द मानसून सीजन। Now, see student, next year we will start with the monsoon. Next season is monsoon. Okay, so monsoon season. Next is a monsoon season. So student, first of all understand this. Monsoon is also known, rainy season is also known as monsoon season. ठीक है, आप इसको रेनी सीजन बोलोगे तो भी राइट आंसर है, या तो आप मॉनसून सीजन बोलोगे, बिकॉज एट दिस सीजन देयर इज अ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, बिकॉज इन दिस सीजन देयर इज अ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दिस रेन इज वेरी गुड फॉर द फार्मर्स, और ये जो रेन है ना ये फार्मर्स के लिए बहुत ही गुड है, बिकॉज रेन वाटर इज नीडेड फॉर द कल्टिवेशन। अगर हम लोग ओल्ड टाइम की बात करें, पास्ट में फार्मर्स आर टोटली डिपेंड अपॉन द रेन वाटर, एंड वी नो दैट द गॉड ऑफ वाटर इज इंद्र, इंद्र देव इज द गॉड ऑफ वाटर इन आवर हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो इवन फार्मर प्रेयर टू द लॉर्ड इंद्र दैट देर इज अ वेरी गुड रेनफॉल इन देयर एरिया सो डैट द कल्टिवेशन इज वेरी गुड। क्योंकि देखो जब हम क्रॉप्स लगाते हैं उस समय भी इरीगेशन के लिए, इरीगेशन मतलब होता है खेतों की सिंचाई करना, खेतों में पानी लगाना, उस समय भी हमें वाटर की बहुत जरूरत होती है बेटा, और जब फसलें पकने लगती हैं उस समय भी पानी चाहिए होता है। ठीक है, अब तो और क्योंकि इसलिए अब देखो अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से काफ़ी कल्टीवेशन की प्रॉब्लम सॉल्व्स हो गई हैं। ओल्ड टाइम में क्या था, फार्मर टोटली डिपेंड किस पे करते थे, रेन वाटर पे। ठीक है, उन्होंने सीड लगा दिए और सीड तभी जमीन से नए पेड़ तभी निकलते हैं जब मिट्टी में क्या मॉइस्चर पानी होगा, जब वाटर होगा, राइट टेम्परेचर होगा तभी सीड जर्मिनेट करता है। कभी कभी ऐसा ओल्ड टाइम में क्या होता था, जो फार्मर्स लोग होते थे लैंड में वो सारे सीड्स लगा देते थे, लेकिन क्या हुआ, बारिश ही नहीं हुई तो क्रॉप होगी नहीं। ठीक है, सो अब साइंस और टेक्नोलॉजी से काफ़ी चीज़ें इजियर बना ली गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स ने रिवर्स पे क्या बना दिए हैं, डैम्स बना दिए हैं। डैम्स का मतलब होता है रिवर के, जैसे आपके घर में कोई ना कोई टैंकी होती है ना, टैंकर,
जो ऊपर होता है, जैसे मार्केट में आप लोग ने देखे होंगे 500 लीटर का टैंक ले लिया या 1000 लीटर का टैंक ले लिया, इस टैंक में वाटर को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, एंड दैट वाटर वी यूज फॉर द डेली एक्टिविटीज, डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ों में वाटर यूज होता है हम उसको यूज करते हैं इस तरह, क्योंकि हर समय 24 आवर हमारे टैंक में वाटर पाइपलाइन से नहीं आता है, वो भी टाइम से टाइम ही पानी भेजते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने टैंक्स में और डे टू डे एक्टिविटीज में हम उस वाटर को यूज करते रहते हैं। इसी तरह अब साइंस और के डेवलपमेंट होने से क्या किया, अब ह्यूमन बींग्स ने बड़े बड़े डैम्स बना लिए, किस पे बना लिए, रिवर्स पे, क्योंकि जानते हो बेटा होता क्या है कि रिवर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस एक्स्ट्रा वाटर को हम लोग डैम में स्टोर कर लेते हैं। जब डैम्स नहीं हुआ करते थे पुराने जमाने में तब क्या होता है, देखो तुम लोग ने कभी भी देखा जब रेन होती है तो होल एरिया इज सबमर्ज्ड विद द वाटर, सारा एरिया जहां आप रोज क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, सारा ग्राउंड आपका पानी में डूब जाता है, सबमर्ज मतलब उसमें चीज़ों का डूब जाना, ठीक है, जो भी चीज़ है उसमें क्या हो गई, डूब गई, सबमर्ज मतलब होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा फिर जब बारिश बंद हो जाती है सनलाइट से वो वाटर, कुछ वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है, क्योंकि देखो जितनी सॉइल की कैपेसिटी है वो उतना उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा वो सन की हीट से, आपको पता है वाटर साइकिल की प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है, सन की जब हीट पड़ेगी सनलाइट की तो उससे क्या वाटर गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चेंज होके फिर ऊपर चला जाएगा, यही प्रोसेस कंटिन्यूस होती है, नीचे का वाटर ऊपर जाता है और अगेन इन द फॉर्म ऑफ ए रेन द वाटर कम्स डाउन, ठीक है। तो अब ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, रिवर्स पे डैम बनाना स्टार्ट करा दिए। डैम बनाने का बेटा देखो क्या फायदा हुआ, जो हमने एक्स्ट्रा वाटर स्टोर कर लिया, अब देखो बहुत सी कल्टिवेशन अब अच्छी होने लगी, उसका रीजन है कि डैम से नहरें, कैनल्स, आप लोग के घर अगर विलेज में होंगे तब आप जो बच्चे विलेज में जाते होंगे गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के यहाँ या नाना नानी के यहाँ, तो अगर वो विलेजेस में होंगे तो वहाँ देखो विलेजेस में क्या होती है, नहरें होती हैं जिसमें पानी आता है, नहरें जिसको इंग्लिश में कैनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये नहरों का पानी, ये पानी कौन होता है, ये वही एक्स्ट्रा स्टोर वाटर होता है, किसका होता है, रेन का होता है। और ये वाटर कहाँ से सप्लाई किया जाता है बेटा, डैम से, क्योंकि जब मॉनसून सीजन होते हैं व्हेन देयर इज एक्सेस रेनफॉल तब हम इस वाटर को क्या स्टोर कर लेते हैं, और ये वाटर हम लोग कल्टीवेशन में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो राजस्थान डेजर्ट एरिया है, चारों तरफ आप जाओगे वहां आपको सैंड के टीले मिलेंगे, रेती रेत मिलेगी, रेगिस्तान यही बोलते हैं ना, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान में भी कल्टीवेशन हो रहा है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक बांध है जिसको हम लोग भाखड़ा नंगल बांध कहते हैं, और वो किस रिवर पे बना है, सतलुज रिवर पे बना है, तो उसका वाटर कैनल के थ्रू, नहर के थ्रू कहाँ जा रहा है, राजस्थान में जा रहा है, और इस वाटर को कल्टीवेशन में यूज किया जा रहा है। एंड दिस वाटर ऑफ द सतलुज रिवर हैज चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द राजस्थान, राजस्थान में भी अब लोगों को वाटर अवेलेबल है, ऐसा ओल्ड टाइम में बिल्कुल नहीं था, राजस्थान में लिविंग कंडीशन बहुत टफ थी, वहाँ के लोग हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, ठीक है, बंजारास बोला जाता है उन्हें, क्यों, क्योंकि पानी ही नहीं है, पानी के बिना लाइफ नहीं है, वहाँ देखो हार्डली प्लांट सर्वाइव करते हैं, हार्डली कैक्टस है, बबूल है, क्योंकि वहाँ जो पेड़ है ना पानी ही नहीं है वहाँ, तो पेड़ कहाँ से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट क्या है, बहुत हॉट है, ठीक है, लेकिन वहाँ भी कल्टीवेशन होता है, उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द डैम वाटर, क्योंकि वो राजस्थान है डेजर्ट एरिया, इसका मतलब आप ये समझ लो वहाँ बारिश बहुत ही कम होती है या बिल्कुल नहीं होती, तभी तो वो डेजर्ट में चेंज हो गया, वो भी कभी सॉइली रहा होगा, लेकिन जब वहाँ लगातार कई साल बारिश नहीं हुई तो सॉइल्स क्या टुकड़ों में टूट टूट के उसके क्या बन गया, सैंड पार्टिकल्स में चेंज हो गई, ठीक है। तो ये तो हम लोग मानसून की बात कर रहे थे, मानसून सीजन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन समर लैंड बिकम्स वेरी हॉट, ठीक है, समर में लैंड बहुत हॉट हो जाता है, दैट विंड ब्लोज ओवर द सी एंड पिक अप वाटर वेपर, दीज विंड वेन देन ब्लो बैकवर्ड्स द लैंड, अब देखो द वाटर वेपर कूल डाउन एंड फॉल्स
down as rain. ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने वाटर साइकिल में आप लोग को बताया है कि कैसे रेन होती है. ठीक है, वाटर इवोपरेट के ऊपर जाता है, फिर वो कूल एयर के टच में आता है, कूल हो जाता है. टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलके क्लाउड्स बनाते हैं. व्हेन दीज वेट ऑफ दीज टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो और ज़्यादा कूल होते हैं, तो रेन के फॉर्म में वो फिर से लैंड पे आने लगते हैं. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून सीजन है. और व्हाट वाज द नेम ऑफ द मानसून सीजन, के नाम क्या है बेटा, आप नोट कर लो, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर, जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर. अब देखो कह रहा है कि पीपल, व्हाट द पीपल वेयर एट द टाइम ऑफ ए रेनफॉल. तो स्पेशली हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या रेनकोट यूज करते हैं. ठीक है, अम्ब्रेला या रेनकोट हम लोग यूज करते हैं. किस सीजन में यूज करते हैं बेटा, ये हम लोग मानसून सीजन में करते हैं. और अनदर कंडीशन, टिपिकल कंडीशन जो हमारे सामने खड़ी हो जाती है वो है बेटा फ्लड्स. दैट इज द फ्लड्स. फ्लड्स मतलब होता है बाढ़ आना. ठीक है, क्योंकि जब एक्सेस रेनफॉल होगी तो रिवर्स में बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है और वो ओवरफ्लो के अगल बगल के लैंड को सबमर्ज करने लगता है. मतलब लैंड के ऊपर पानी आ जाता है, सारी चीज़ें उसमें डूब जाती हैं. आई बात समझ में? तो डैट इज़ द फ्लड. बहुत ही डेंजरस कंडीशन है. और एवरी ईयर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के बहुत ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ एवरी ईयर फ्लड्स आती है. जैसे आसाम, मैंने तुम लोग को चैप्टर नंबर आई थिंक 10 पढ़ाया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए हाउसेस. वहाँ क्या है, स्टिल्ट हाउसेस है, STILT, स्टिल्ट हाउसेस. मतलब वो हाउसेस जो नीचे क्या वुड के पिलर्स होते हैं और उसके ऊपर हाउस होता है, क्योंकि आसाम ऐसा एरिया है, वहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर है, उससे फ्लड्स आती हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर से. ठीक है, तो एवरी ईयर वहाँ फ्लड्स आती है. तो हाउस जब हाइट में होते हैं तो जो फ्लड का वाटर होता है ना, वो घर के नीचे से चला जाता है और घर तो ऊपर होता है. इससे घर में रखे सारे सामान क्या होते हैं, सेव होते हैं. मान लो आपके पूरे घर में पानी इंटर कर गया फ्लड का, तो देखो हमारे घर में मैक्सिमम चीज़ें जितनी है, पानी में जो भी चीज़ जाएगी वो ख़राब हो जाएगी. मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी चीज़ें बिजली से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं, अगर उन चीज़ों को आप वाटर में डाल दो, आपका मोबाइल है, ठीक है, आपका मोबाइल गलती से कभी मोबाइल पानी में गिर जाए या मोबाइल को पानी लग जाए, तो देखो वो वर्क करना बंद कर देता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है. ठीक है, उसका सर्किट फिर फंक्शन नहीं करता है. ठीक है, तो फ्लड इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन और इंडिया के मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में फ्लड्स आती हैं. ठीक है, अब देखो रेन फ्लड्स का आना तो बहुत नुकसान होता है प्रॉपर्टी का भी और ह्यूमन लाइफ का, एनिमल लाइफ का भी. बहुत से ह्यूमन बींग्स भी मर जाते हैं, बहुत से एनिमल्स फ्लड वाटर में बह के चले जाते हैं, वो भी मर जाते हैं. प्रॉपर्टी बहुत नुकसान हो जाती है फ्लड का वाटर, और तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं. जैसे जैसे, क्योंकि जब रिवर्स आती है ना, तो अपने संग बहुत सी सॉइल, माउंटेन सॉइल, सारी गंदगी लेते हुए उस वाटर में आ जाती है. आपने कभी देखा होगा फ्लड के समय आप रिवर वाटर देखोगे तो एकदम ब्राउन लगेगा. ठीक है, बिल्कुल ब्राउन कलर का लगेगा आपको वो वाटर. तो ऐसी कंडीशन होती है टाइम ऑफ ए फ्लड. लेकिन बेटा इसी के साथ साथ फार्मर्स के लिए ये बहुत ही रेनफॉल बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. और ये फ्लड्स नुकसान तो बहुत पहुंचाते हैं, प्रॉपर्टी का भी बहुत डैमेज करते हैं और लाइफ का भी. इसके साथ साथ ये जब ये फ्लड्स आती है ना बेटा, तो ये अपने साथ बहुत सी उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं. और ये मिट्टी क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये मिट्टी क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ देखो हम लोग यूपी में रहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा फसल होती है, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ जितनी भी मिट्टी बाढ़ के समय आती है ये फर्टाइल सॉइल होती है, एल्यूवियल सॉइल, तो ये सब सेटल हो जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में. इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फूड सबसे ज़्यादा है. इंडिया की अगर हम बात करें, हमारी कंट्री का 70% व्हीट यहीं से प्रोड्यूस होता है, नॉर्दर्न प्लेन से.
हमारी कंट्री के 50% राइस नॉर्दर्न प्लेन से ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन्स को फूड बाउल ऑफ इंडिया भी बोला गया है। एंड दिस मॉनसून सीजन इज वेरी गुड फॉर द फार्मर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।